अहम खबरें दिखाएंगे। सागर शहर में स्मार्ट विकास की परिकल्पना को किस तरह नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी प्रशासन मूल रूप दे रहा है, इसकी बानगी की गवाह शहर की सड़कें बनी हुई हैं, जहां बारिश में मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्ले की सड़कों पर पसरा गंदगी रूपी कीचड़ उसके विकास की तस्वीर को बयां कर रहा है। हर तरफ सड़कों पर कीचड़ का जमावड़ा होने से पैदल राहगीर के साथ वाहन चालकों को खासी परेशानी उठा परेशान होना पड़ रहा है, तो वहीं कहीं कहीं सीवरेज और पानी की लाइन डालने के नाम पर खुदी पड़ी सड़क के कारण दलदल के हालात से दो चार होकर शहरवासी परेशान हो रहे हैं। गली मोहल्ले की कीचड़ नुमा सड़कें स्मार्ट सिटी सागर के विकास के आईना की गवाही दे शासन प्रशासन के शहर की तस्वीर बदलने के दावे पर चुटकी लेने लोगों को मजबूर कर रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि सीवरेज और टाटा कंपनी के पाइपलाइन डालने का काम जिस सुस्त गति से जारी है, उसमें भी गुणवत्ता से समझौता कर मनमानी कार्य किया जा रहा है। उसने सड़कों के मामले में शहर की तस्वीर ही बदल डाली, जिसके कारण बारिश में अब वही खस्ताहाल सड़क शहरवासियों के लिए मुसीबत का सबक बन परेशानी बढ़ा रही है। जहां बने हालात दुरुस्त हो सकें, प्रशासन से आम शहरवासी गुहार लगा रहा है। ये सारी लापरवाही निगम प्रशासन, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन और हमारे शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी है। आप देखें कि पूरा शहर खुदा हुआ है, पूरे शहर पे कीचड़ मंग है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि शांत बैठे हुए हैं। टाटा कॉरपोरेशन के ऊपर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे, स्मार्ट सिटी शांत बैठे हुए हैं। इससे अलग ही स्पष्ट समझ में आता है कि इन सबकी साठगांठ चल रही है और जिसमें आम जनता पिस गई है। हम खबरें दिखाएंगे।